इस साल देश भर में जन्माष्टमी 23 अगस्त को मनाई जाएगी या 24 अगस्त को, इसको लेकर उलझन की स्थिति है। कहीं जन्माष्टमी 23 अगस्त को बताई जा रही है तो कहीं 24 अगस्त को बताया जा रहा है। बता दें कि मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो कि इस बार 23 अगस्त को पड़ रही है। इस वजह से जन्माष्टमी 23 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसको देखते हुए गोरखपुर में भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। शहर मुख्य जन्माष्टमी पंडालों में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। टाउन हॉल मैदान में पिछले 30 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। यहां पर श्री कृष्ण भगवान एवं कंस से संबंधित स्वचालित झांकियाँ सजाई जाती हैं। साथ ही गोरखपुर पुलिस लाइन में लगने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। पुलिस लाइन प्रांगण में स्थित श्री कृष्ण मंदिर में रंगाई पुताई का काम करने के साथ साथ मनोहर झांकियों के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। पुलिस लाइन में आरटीसी की महिला रंग रूटों द्वारा इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए आरटीसी महिला रंग रूट जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस लाइन के आरटीसी के मेजर राकेश कुमार साहनी और श्री कृष्ण समिति टाउन हॉल के संयोजक मनोहर कुमार गौड़ ने कहा। मेरा नाम राकेश कुमार साहनी है। मैं आरटीसी का मेजर हूं, कप्तान महोदय के आदेश से और आराई साहब के मार्गदर्शन में ये सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों का चल रहा है, जो बच्चियां पूरी तैयारी कर रही हैं और अच्छा करेंगी। प्रोग्राम कम से कम 2 घंटे का बच्चों का रहेगा, दिया जाएगा, अच्छा करेंगे लड़कियाँ। कप्तान साहब भी जैसा आदेश करेंगे, एसपी नार्थ साहब भी इसकी देख रेख कर रहे हैं, आरआई साहब के हमारे मार्गदर्शन में हर चीज़ में हर कार्य किया जा रहा है। जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सब जो भी प्रोग्राम्स है, चाहे डांस है, चाहे भजन गा रही हैं, सब धार्मिक है, कृष्ण भगवान के ऊपर ट्रेनिज है लड़कियाँ। मनोहर कुमार गौड़,
जन्माष्टमी का तैयारी 140 प्रतिमा है, चलने फिरने का है डायलॉग के साथ। 30 वर्ष हो गया, 25 साल सादा मूर्ति बैठ रहा था, 5 साल से 140 बैठने लगा। तैयारी कब तक पूरी हो जाएगी? तैयारी 22 तक हो जाएगी, 22 अगस्त तक। किसी का सहयोग नहीं है, 5 भाई हैं, पापा हैं, हम लोग मिलजुल के करते हैं। और 22 कंप्लीट हो जाएगा, 23, 24, 25 चलेगा सचली झांकी, कचहरी क्लब काना समिति।